पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी ने युवाओं के लिए 21 साल मतदान का हिस्सा लेने का अधिकार को 18 साल में मतदान करने का अधिकार दिया और युवाओं में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50% आबादी 29 साल की युवाओं की है और 56% 30 वर्ष से ऊपर की है। वहीं सुकमा के एरोबार में घटी घटना के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है और संबंधित अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और दोषियों को पतासाजी की जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता बालिका को प्रदेश सरकार पूर्णतः न्याय दिलाएगी। देखिए, आज NHUI के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है, बात है स्वाभिमान के पहली मतदान की। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसको इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जो कोटा केबिन में जो छात्र के साथ जो दुष्कर्म हुआ बेहद निंदनीय है और पुलिस को जैसे जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई की गई है। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है, तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।